नमस्कार, हम दिल्ली के इंडिया गेट पर यहाँ पर मौजूद हैं। मौसम बेहद खुशनुमा है, यहाँ ठंड भी है और हवा भी चल रही है, लेकिन इसी हवा में जो है सियासत का जहर मिला हुआ है। देश में जो है एक बड़ी बहस चल रही है। देश में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, दरअसल वो जो उच्च जाति के लोग हैं, अपर कास्ट लोग हैं, उनको रिजर्वेशन देना चाह रही है, लगभग दे ही दिया है। और बात ये हो रही है कि क्या एक तरह के आरक्षण से दूसरी तरह के आरक्षण को काटने की कोशिश हो रही है। बेहद खामोशी के साथ जनवरी के इस महीने में 2019 के अभी दूसरे हफ्ते में ही जो है संविधान बदला जा रहा है। हम यहाँ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक तरह के आरक्षण से दूसरे तरह के जो आरक्षण है उसको काटने की कोशिश हो रही है। एक तरह के आरक्षण का इलाज दूसरी तरह के आरक्षण से किया जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये लोग साजिश जो लोग करते हैं उस तरह की बातों में जिनका विश्वास है दरअसल वो बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात को लेकर काफ़ी बहस हो रही है कि क्या जो दलित और ओबीसी आरक्षण है उसको ख़त्म करने की दिशा में अपर कास्ट को दिया जाने वाला ये रिजर्वेशन है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज़्यादातर बेशतर आबादी जो कि इन हाशिए के समुदायों से नहीं आते, वो ये भी नहीं जानते कि आखिर आरक्षण दिया क्यों जाता है, क्यों सैकड़ों साल से सताए गए लोगों को संविधान में एक ऐसा प्रोविज़न, एक ऐसा प्रावधान दिया गया जिसकी वजह से वो सामने बैठकर टेबल पर बात कर पाएँ या उस मुकाबले का हिस्सा बन पाएँ जिसको जीतने की जो है पूरा संघर्ष है। मेरे साथ यहाँ पर कई मेहमान मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम इस बहस को समझेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कौशल पवार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, डॉक्टर रतनलाल हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, अनिरुद्ध कुमार सुधांशु हैं, डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार सुधांशु, चिंटू कुमारी हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। तो यानी हम इन लोगों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो पूरा आरक्षण को लेकर बहस है ये किस तरफ जा रही है, और अगर इतना ही आसान था वाकई जो गरीब परिवारों से आने वाले लोग हैं अपर कास्ट में, अगर ये इतना आसान था तो 70 साल आखिर इसमें क्यों लगे, क्यों जो है वो 30 साल बाद, यानी मंडल कमीशन को लगभग 30 साल हो रहे हैं, क्यों 30 साल बाद ये बहस फिर से ताज़ा हुई है। कौशल, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे बताइए कि जो ये अभी बिल जो कि अब कानून लगभग बन गया है, लोकसभा राज्यसभा सब ने पास कर दिया है, आप इसको कैसे देखती हैं? अभी चारों मेहमान जो हमारे हैं यहाँ पर ये दलित समाज से आते हैं और चारों जो हैं वो अपनी तरह के लीडर्स हैं, अपनी तरह के ओपिनियन लीडर्स हैं, जो शायद मैं ये कह सकती हूँ कि अपने समाजों का कम से कम प्रतिनिधित्व करते हैं। कौशल जी, देखिए जो ये राज्यसभा और लोकसभा में डिसीजन हुआ और लगभग अब राष्ट्रपति के पास जाने के बाद ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट हो जाएगा, इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि संविधान की जो आत्मा थी जिसमें प्रतिनिधित्व शब्द दिया गया, आरक्षण शब्द वहाँ नहीं है इस तरीके से जिस तरीके के लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। और हमारी जो मंत्रालय, मतलब हमारी जो संसद है, उस संसद ने भी जिसको पास किया उस अर्थ को एक तरह से कहीं ना कहीं इग्नोर किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब प्रतिनिधित्व रखा था वो बहुत सोच समझ के रखा था ताकि सामाजिक गैर बराबरी ख़त्म हो। वो तबका जो सदियों से पीछे था, जो पूरा का पूरा उसका एक आरोप जानबूझ के ये लगा दिया जाता है कि आक्रमणकारियों की वजह से भारत पिछड़ा, मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ ये माने कि मुगल या फिर अंग्रेज़ों की वजह से, जो बार बार पार्लियामेंट में भी कहा गया, हम लोग डिबेट जब सुन रहे थे कि अंग्रेज़ों के आने की वजह से रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन उससे पहले भी जो गैर बराबरी का जो था जिसके ऊपर आवाज़ें उठती रही हैं, गौतम बुद्ध से लेके चारवाक यहाँ पर रहे और भी पूरा का पूरा एक पूरी परंपरा है जो अगर हम भक्ति काल में भी देखें एक वो अलग तरह की दूसरी तरह की परंपरा आती है, पूरा का पूरा एक एक यात्रा थी, उस यात्रा में समाहित था प्रतिनिधित्व। लेकिन इन्होंने उस यात्रा को न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि आने वाले जो दलित प्रतिनिधित्व हो सकते थे उसको भी एक तरह से कुंद कर दिया, एक तरह से संविधान में दिए गए उस प्रावधान को ख़त्म करने की साजिश एक तरह से ये हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ। अभी ये बहुत खतरनाक है, प्रतिनिधित्व शब्द का ही अर्थ अलग कर दिया। रतनलाल जी, ये बताइए कि किस तरह की चिंताएं हैं अगर एक समाज को पिछले 70 साल में या दूसरे समाज को पिछले 30 साल में आरक्षण मिला और एक तबका ऊपर के आया है, तमाम तरह की स्टडीज़ ये बताती हैं कि हालात बेहतर हुए हैं, अगर उच्च जाति में जो गरीब लोग हैं अगर उनको आरक्षण मिल जाता है तो क्या हर्ज है? देखिए, इससे पहली बार यह साबित हुआ है कि भाजपा सरकार उच्च जाति की सरकार है, क्योंकि अगर इसको आप सही से स्टडी करेंगे तो विशुद्ध रूप से जाति आधारित आरक्षण इस 10% में आया है।
SC ST का जो आरक्षण था वो सोशल डिस एडवांटेज अनटचेबिलिटी के बेसिस पे आया था, सोशल एक्सक्लूजन था, इसलिए उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। यानी एक्सक्लूजन था तो इंक्लूजन किया गया। OBC का था सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, है सामाजिक आर्थिक आधार पे। अब जो आया है वो 10% सवर्ण जोड़िए, तो जाति के नाम पे विशुद्ध जनऊ आरक्षण है, ये जाति का आरक्षण है। नंबर एक। नंबर दो, ये संविधान संशोधन नहीं है, ये संविधान का अपमान है, ये संविधान पे हमला है। हमें इस बात को समझनी पड़ेगी कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है। गरीबी उन्मूलन के सैकड़ों और सरकारें चलाती हैं पूरे कार्यक्रम और चला सकती हैं, तो आप कर क्या रहे हैं, आप जो है आरक्षण को इररिलेवेंट बना रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। क्या जो 10% गरीब को आप देने जा रहे हैं वो आएंगे तो आरक्षण से आने के बाद क्या बोलेंगे कि मैं दलित हो गया, उसका सामाजिक अहंकार क्या कम होगा क्या? नंबर एक। नंबर दो, अपर कास्ट जिस सवर्ण जो है हर समय ओवर रिप्रेजेंटेड रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन 49.5% था, तो क्या ये भाजपा सरकार RSS प्रायोजित सरकार जो है ये बता सकती है कि 49.5% रिजर्वेशन आज तक पूरा हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है, 25-27% टोटल है रिजर्वेशन ग्रुप, आप पूरे वाइस चांसलर देश के उठा लीजिए, सेक्रेटरीज उठा लीजिए, प्रोफेसर उठा लीजिए, नहीं पूरा हुआ है, उसका आधा ही है। तो इसका मतलब है SC ST OBC के जगह जो लोग काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, अमेरिका के लोग काम कर रहे हैं कि यहीं के सवर्ण लोग काम कर रहे हैं? तो सवर्ण ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेड है, उसके बावजूद आप नंबर दो, अभी सुन लीजिए, इसके आर में संविधान को बदलने की साजिश है। आज आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, संविधान बदल देंगे 10% आरक्षण में, कल होकर बोलेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये चूंकि हमला है पूरा भारत के संघीय स्वरूप पे, इसलिए 10% आरक्षण का हम विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया गेट पर अलग अलग समाजों से, हो सकता है अलग अलग शहरों के भी लोग आए हुए हों, फिलहाल छुट्टी मना रहे हैं, यहाँ पर धूप सेक रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि देश में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है कि जो ये सामाजिक रिश्ते हैं, जो सोशल रिलेशंस हैं अलग अलग जातियों के, अलग अलग समुदायों के, दरअसल वो इतने बड़े कानून से बदलने वाले हैं। तो जब जनता सोई हुई है या जो मुख्यधारा की मीडिया है वो आपको बताना नहीं चाहती कि जो दूसरा आस्पेक्ट है, जो दूसरा पहलू है ये अपर कास्ट को रिजर्वेशन देने का, वो क्या है? जैसे इस तरह से रतन लाल जी कह रहे हैं कि जो जिनकी नुमाइंदगी, जिनका प्रतिनिधित्व जिन समाजों का पहले से ही ज़्यादा था, अब उनको और ज़्यादा दिया जा रहा है। चिंटू कुमारी जो हैं वो PhD स्टूडेंट हैं JNU में, और मैं समझना चाहती हूँ कि जो यंग ब्लड हैं, जो यंग माइंड्स हैं, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। चिंटू, किस तरह से आप देख रही हैं? आप JNU पहुँची क्योंकि एक तरह का आरक्षण आपको मिला, लेकिन अब आप ही को नहीं, अब जो हैं वो लोग जिनके खिलाफ आप संघर्ष करती रहीं, उन समाजों से भी लोग आके JNU में आरक्षण लेकर बढ़ेंगे वहाँ पर। देखिए, ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अमेंडमेंट बिल जो शुरू लाया गया है और लगभग पूरा होने जा रहा है, तो इसमें मैं समझती हूँ कि मनु का कानून जो है संवैधानिक रूप से हमारे देश में लागू होने जा रहा है, जहाँ पर हम उल्टी गंगा बहती हुई देख रहे हैं। हम एक सवाल मोदी सरकार से पूछना चाहेंगे। मैं बथानी टोला से आती हूँ बिहार में, और वहाँ पर दलितों का एक नरसंहार हुआ, भयंकर नरसंहार हुआ, काटा गया, मारा गया, जिंदा जलाया गया। मिर्चपुर, सहारनपुर, सुंदरू, मैंने ऊना, एक के बाद एक जो घटनाएं हम देख रहे हैं, उससे क्या लगता है कि जातिगत भेदभाव खत्म हो गया है और आरक्षण खत्म होने की बारी आ गई है? गटर में आज कौन मरता है? हर रोज़ गटर में, सेप्टिक टैंक में कौन जाकर मरता है? ये क्या कोई सवर्ण समाज मरता है? और किसी ने ये भी कहा, मैंने ट्विटर पे देख रही थी कि अगर आरक्षण लेना है तो जो गटर है उसमें, अच्छे से अच्छे जो गटर है उसमें आरक्षण ले लीजिए आप। बिल्कुल उसमें आरक्षण लेकर देखें तो उन्हें समझ में आएगा, दलितों का पीड़ा समझ में आएगा, उनका दर्द समझ में आएगा, उनकी जिंदगी हर रोज कैसे जीते मरते हैं उनको अच्छी तरह से उनको समझ में आएगा। अभी तक उनको कुछ नहीं समझ में आता है। तो इसके द्वारा मैं यही सवाल उठाना चाहती हूँ कि वास्तव में ये चुनावी नैया पार लगाने के लिए जो मोदी सरकार ने शगुफा फेंका है वो बेसिकली अपर कास्ट के लिए भी नहीं है। देयर इज नो जॉब उनके लिए भी नहीं है, ना? ये भी बहुत अहम है, क्योंकि कहीं ऐसा ना लगे जो अपर कास्ट से आने वाले जो उच्च जातियों के समुदाय के लोग हैं कि ये कार्यक्रम उनके खिलाफ है,
ऐसा नहीं है, बल्कि हम ये बताना चाहते हैं, उस चाल को बाहर लाना चाहते हैं कि आखिर इसमें उनकी भी भलाई नहीं है, बल्कि उन्होंने वोट दिया इस सरकार को जो कि उनकी भी भलाई नहीं कर पाई। बिल्कुल, हर क्षेत्र को प्राइवेट क्षेत्र में बदला जा रहा है, शिक्षा को, रोजगार को, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन, हर तरह से हम देख रहे हैं कि 24 लाख सीट जो है सरकारी सीट खाली हैं, नौकरी के पद भरे नहीं जा रहे हैं। लगातार जो 26,000 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं 2014 से 2016 का मैं आंकड़ा बता रही हूँ, 26,000 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, क्या वादा करके ये सरकार आई थी। अनिरुद्ध कुमार जी, बताइए कि हमें थोड़ा राजनीति भी समझने की ज़रूरत है कि एक ऐसा कानून शायद ये रहा पिछले 5 सालों में जिसमें जो है वो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसका विरोध कर पाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पार्लियामेंट में, ऐसा क्यों है, ये तमाम पार्टियां क्यों मजबूर नज़र आ रही हैं, क्यों कोई मायावती, कोई रामविलास पासवान जो दलितों का वोट लेकर हैं लेकिन जब बात आती है उनके लिए बात करने की तो खामोश हो जाते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं इस आरक्षण को ऐसे देख रहे जैसे 1914 में ब्रिटिशर्स जो है युद्ध लड़ने की तैयारी में थे और उनको सैनिक चाहिए थे तो उन्होंने नॉन ब्राह्मिन्स के लिए वो खोलने की बात कही। आज जो है बीजेपी लगभग हार के कागार पे खड़ी हो गई है, अब उसको ऐसी राजनीति करनी पड़ रही है कि उसे ये उसी तरीके का है जैसे ब्रिटिशर्स को सैनिक की ज़रूरत थी, इस समय वोटर्स की ज़रूरत है बीजेपी को। दूसरी बात आप पूछ रही हैं कि ऐसा क्या माहौल बन गया कि कोई बोल नहीं पा रहा है, तो इसको देखिए कि सभी राजनीतिक गठबंधन जो हुए हैं फिलहाल के जो राजनीतिक गठबंधन हुए, कल मेरी उपेंद्र कुशवाहा जी से भी बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप सरकार में रहे हैं, 2005 में एक पत्र आता है जो कि यूनिवर्सिटी के रोस्टर को बदलने को लेकर, उसके बाद यूनिवर्सिटी रोस्टर में इतनी तेज़ी से बदलाव होता है और एडवर्टीजमेंट आते हैं कि पूछिए ही मत, तो जो वो हो रहा है यूनिवर्सिटी रोस्टर। अब उनसे पूछा मैंने कि आपको क्या दबाव था इतने दिन, तो बोले कि हम गठबंधन में थे, इवन कि मैं जो कपड़ा मंत्री हैं अजय टमटा जी वो भी दलित समाज से आते हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि हम मजबूर हैं, उन्होंने शायद उत्तराखंड में एक जगह पर रिजर्वेशन कुछ नीचे स्तरों पर लगाया था उसको बीजेपी के लोगों ने विरोध करके जो है हटवा दिया, उन्होंने कहा कि हमें अपनी सरकार के लोगों ने हमारे खिलाफ प्रदर्शन किया। अब रामविलास पासवान जी की बात ले लें तो उनके यहाँ कोई भी आप जो हैं रविदास समाज से कोई प्रवक्ता नहीं है, वो पासवान समाज के लीडर तो हैं, दूसरों को कहते हैं कि आप आरक्षण छोड़ दीजिए क्योंकि उनको हमारे एरिया में जो राजनीतिक जो हम हाजीपुर से भी आते हैं उनके क्षेत्र से आते हैं तो सवर्ण वोट को लेने के लिए वो कहते हैं कि सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी बन गई है क्योंकि उनका बेटे को चुनाव लड़ना है, उनके भाई मंत्री है, उनके दूसरे भाई समस्तीपुर से चुनाव लड़ते हैं, उनसे भी रियाज में जो है भूमिहार और राजपूतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो दलित राजनीति है भारत में ये उसकी भी नाकामी है, दलित राजनीति की मैं थोड़ी सी नाकामी मानता हूं कि कभी आपने शायद इतने दिनों तक पत्रकारिता आपने भी किया होगा तो शायद रामविलास पासवान और मायावती को किसी एक मंच पर आपने नहीं देखा होगा, दोनों एक साथ आते तो शायद एक समाज जो है बहुत बड़ी संख्या में है, रविदास पूरे भारत में है, पूरे विश्व में सब जगह पर है, पासवान एक जगह है लेकिन उनको उनके साथ कलेक्टिव अभी भी चुनाव हो रहा है तो आप बहुजन समाज पार्टी को अलग देखेंगी और लोजपा को बिल्कुल अलग देखती हैं, हम उसको अलग ही लोजपा नहीं कह रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, लोक परिवार विकास पार्टी कह रहे हैं हम उसे। जी हाँ, तो कौशल ये बताइए फिलहाल कि इसको इस तरह से समझा जाए, मैं राजनीति से अलग भी राजनीति के बरक्स भी इसको समाज के नज़रिए से समझना चाहती हूँ कि अभी तक जो हमारा एक सोशल मेकअप था, चाहे वो आप खुद पढ़ाती हैं, पहले आप छात्रा थीं फिर आप पढ़ाती हैं, आपके छात्र जीवन का जो अनुभव रहा, अब आपका एक अध्यापिका के रूप में जो आपका अनुभव है, जब अपकास्ट जो है वो रिजर्वेशन लेकर आएगा क्लास में बैठेगा किस तरह से ये पूरा मेकअप बदलेगा? देखिए, पहली बात तो मुझे उम्मीद ही नहीं लगती कि कोई गरीब रिजर्वेशन लेके पढ़ाने आ भी जाएगा, नौकरियाँ ही नहीं है, नौकरियाँ हैं नहीं, आपने एक लॉलीपॉप दिए और खुद बीजेपी के अपने प्रवक्ता भी ये मान रहे हैं, उन्होंने माना भी है, चैनल पे भी मान रहे हैं, चैनल वाले जो लगभग कहीं ना कहीं पत्रकारिता एक अलग तरह की करते हैं उन्होंने खुद भी ये माना है अब कि ये कहीं ना कहीं वोट बैंक के, लेकिन खैर वो एक अलग रहा। अगर मान लीजिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर ऐसे ऐसे उससे नीचे से लोग आते हैं तो ये हास्यास्पद तो है ही अपने आप में, जो मुझे देख के ये कहा जाता था कि यार इन लोगों को क्या आता है, तो कोटा वाले हैं सरकार के दामाद, और खैर महिलाओं के लिए तो इन्होंने अभी तक ये शब्द ऐसा यूज नहीं किया, ये नहीं किया अभी तक, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आवाज़ें निकल के आती हैं और खासकर तब जब आप एक चिंटू कुमारी ने बीच में गटर वाला एग्जाम्पल लिया, मैं उसी आधार पर कहती हूँ कि अगर सफाई कर्मचारी क्योंकि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं अभी तक, और देखिए पोस्ट जब निकलती है तो सफाई कर्मचारियों की भी निकलेगी, उसमें भी आना ही चाहिए फिर गरीब
अगर 10% आरक्षण है और सरकारी सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकलती है तो आपको क्या लगता है कि वो आएंगे वहाँ? मतलब भी नहीं है। और अगर आएंगे भी तो नौकरी पे वो रहेंगे, काम उनकी जगह कोई और करेगा। हालांकि ये दूसरा सवाल है, लेकिन मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ही रह के देख रही हूँ, अपने एकदम आंखों देखा, मेरा अनुभव है कि आप स्टाफ रूम में अगर बैठे हों तो जानबूझ के इंडिकेट करके ये समझाया जाता है, आपको आपकी औकात दिखाई जाती है कि आप भले ही प्रोफेसर हों यूनिवर्सिटी में कॉलेज में, लेकिन आप आए वहाँ से हैं। और देखिए इसमें एक चीज़ और, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, सफाई कर्मचारी अगर कोई काम करके गया होगा तो जानबूझ के मुझे देख के कहेंगे कि देखो ये ना झाड़ू ठीक नहीं लगाता, ये इसने ये पोछा ठीक नहीं लगाया, वो टॉयलेट साफ नहीं करता, ये इतने इतने पैसे लेते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि उनको कितने पैसे मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। स्टाफ रूम में बाकायदा एक सफाई कर्मचारी ने आके पूरी स्टाफ एसोसिएशन के सामने आके कहा कि अगर मेरी ये झाड़ू वाली नौकरी छूटती है तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मुझे बिना रीजन के निकाल दिया गया। मतलब उसमें भी इस तरीके का एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, लेकिन एक भूखे मरने जैसी स्थिति है। नौकरियों का तो ये हाल है कि लोग सुसाइड करने या एक तरह की जो कोटा राजनीति थी, हमें अब तक बताया गया कि हम तो जो है एक दलित डॉक्टर से इलाज भी नहीं कराते हैं इसलिए कि उसको पता नहीं है कि डॉक्टरी उसने पढ़ी नहीं है, सिर्फ वो कोटा से आ गया। क्या एक तरह के कोटे का इलाज दूसरे तरह का कोटा है कि कम से कम अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि किसी को कोटा वाले कह सके? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इसके ऊपर कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है ना वो सदियों से सिर्फ शासक बनने की रही है। वो चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो, चाहे मेडिकल में, जीवन के हर एक क्षेत्र में उनकी ये आदत बन चुकी है कि ये दूसरे आदमी हैं, दोयम दर्जा जिसको हम कहेंगे, अलग हैं। भले ही वो आपको बराबरी का दिखाएंगे व्यवहार, लेकिन पीछे से एकदम कान पीछे ही आपके तुरंत उनको वो समझा देंगे उसको सामने वाले को कि तुम अपनी औकात में रहो, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा मुझे लगता है। रतनलाल जी, इसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि पूरी तरीके से एक सॉलिड पॉलिटिकल डिसीजन है ये, लेकिन क्या 15% अपकास्ट, ये मान लें कि सारे अपकास्ट जो हैं बीजेपी को वोट दे देंगे, उनकी बुनियाद पे तो जीतेंगे नहीं, तो ये बताइए कि क्या इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि जो सवर्ण की जगह जो अवर्ण लोग हैं, जो अदर कास्ट हैं, क्या वो इस फैसले को समझेंगे और ये समझेंगे कि ये उनके खिलाफ है, और क्या एक तरह का एक पॉलिटिकल बैकलैश हो सकता है? SC ST OBC जो सांसद है ना वो सांस्कृतिक और मानसिक गुलाम है, और बाबा साहब जब पूना पे एक्ट हुआ था तो वो रोए थे और बोले थे कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार हुई है कि इस आरक्षण व्यवस्था से जो नेता जाएंगे ऐसे ही घुटना टेक नेता होंगे। SC ST OBC के जितने सांसद इस बिल का समर्थन किए हैं, कभी काश बैकलॉग पूरा हो, SC ST OBC का रिजर्वेशन लागू हो, इसके लिए धरना पे बैठे होते तो समाज उनको सलाम करता। भले वो 10% वोट को लुभाने के चक्कर में जो है दूम हिला रहे हो, लेकिन समाज में आक्रोश है, पूरे देश भर में हम लोग की बात हो रही है। 19 तारीख को आह्वान करने जा रहे हैं कि देश भर में इसका विरोध हो। और आप सिर्फ देखिए, मौसम खुशनुमा है लेकिन राजनीतिक गर्मी हम बढ़ा देंगे अगले 2 महीना चुनाव के पहले। ऐसे SC ST OBC नेताओं को भी नकारो, नए लीडरशिप पैदा करो, आंदोलन से लीडरशिप पैदा होता है। आपके समाज के हितों की हत्या हो रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि हम रोस्टर पे यूनिवर्सिटी में अध्यादेश लाएंगे, कहाँ है अध्यादेश आपका? तो आप सब नेता मिल के जो है, चाहे कोई भी पंथ हो, दलित SC ST में कोई भी पंथ हो, चाहे हम किसी नेता का, सबको मैं कह रहा हूँ कि आपका हिसाब किताब ये समाज आपसे, समाज में आक्रोश है। नंबर 2 जी, इस आरक्षण की आप चर्चा कर रही हैं, सरकारी नौकरी तो है नहीं। नंबर 2, अगर मोदी सरकार ईमानदार है तो तुम ये बताओ कि तुम SC ST OBC को छोड़ो, 10% विशुद्ध गरीब को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दे देते, तब ना देखते कि जो अमीर सवर्ण है उसका नजरिया उसके प्रति कैसा होता है, ये देखने की बात थी। ये जब उसके हिस्से में से कटेगा, उसके हिस्से में से कटेगा, तब देखने की बात है कितना मोहब्बत है आपके बीच में। आप बताइए, जिस देश में 1% पॉपुलेशन के पास 57% संपत्ति हो, वहाँ पे आरक्षण से गरीबी उन्मूलन होगा? अब देश की जनता को आप धोखा दे रहे हैं, और ये राजनीतिक झुंझुना है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये लगेगा नहीं। संविधान पीठ, जब OBC के मामले में आप 50% कैप लगा सकते हैं, तो एक बार बताइए, जब आर्थिक आधार पर कर सकते हैं तो कोई कमीशन आपने बनाई, कोई रिपोर्ट है? नहीं है। वो कह रहे हैं कि 2010 में एक रिपोर्ट थी जो कि लागू हो सकती थी, हमने उसी की बुनियाद पर, उसी की बुनियाद पर किया है। सच्चर कमेटी है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट है, पब्लिक डोमेन में है, सरकार का बनाया हुआ था। तो मुस्लिम की हालत तो कह रहे हैं कई जगह दलित से भी खराब है, खासतौर से पिछड़े और उसमें दलित मुस्लिम है। तो क्या उसके लिए जितना हमारा SC ST नेता सब था वो धरना पे बैठा? नहीं बैठा ना। तो आपकी जो दोहरी नीति है, हमें इन नेताओं से क्या चाहिए? रतनलाल जी, मैं सवाल पे वापस आऊंगी, लेकिन चूंकि आपने एक सवाल छेड़ दिया, मैं ये जरूर पूछना चाहती थी, क्योंकि देश में पिछले 5 साल में जो राजनीति हुई है वो खुले तौर पर एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स है। आज पार्लियामेंट में हमने ये देखा
कि तीन जो नेता, तीन सांसद जिन्होंने विरोध किया वो तीनों मुसलमान थे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको मुस्लिम राजनीति के बरक्स ये जो अपर कास्ट कोटा है पैरेलल हो बन रहा है, मुस्लिम राजनीति के खिलाफ बन रहा है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। अभी 10% रिजर्वेशन आपको ट्रायल टेस्टिंग करके चल रहा है, हमारे नेता समझ नहीं रहे इस बात को। आज एक बार आपने इस मॉडल को मान लिया कि हम संविधान बदल सकते हैं, उसके मूलभूत जो संरचना है उसको हम बदल सकते हैं, तो उसके बाद तो पेंडोरा बॉक्स खुल गया ना। फिर ये पूरी राजनीति हो रही है, ये मुसलमानों के खिलाफ राजनीति हो रही है। चिंटू कुमारी ये बताइए कि मैंने जो आपसे जानने की कोशिश कर रही थी कि जो युवा हैं, उसमें कह रहे हैं कि ईसाई और मुस्लिम को भी 10% मिलेगा। अरे हुजूर, अभी तो ईसाई मुस्लिम जनरल कैटेगरी में है, तो आप बता दीजिए कितने आईएएस ऑफिसर और कितने प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ईसाई और मुसलमान आपने रखे हैं। किताब तुम्हारा, पन्ना हमारा, दलित के हाथ में संविधान पकड़ा दिया, सारे पन्ने फाड़ लिए उसमें से। चिंटू ये बताइए कि जो जो यंग लोग हैं, जो युवा लोग हैं, जाहिर है तमाम समाजों से लोग आते हैं, तमाम जातियों से आते हैं, एक क्लास में हम देखते हैं एक पूरा भारत का नक्शा जो है, पूरी डेमोग्राफी नज़र आती है एक क्लास में। आप क्लास, जो क्लासरूम एक्सपीरियंस है उसे आप किस तरह से देख रही हैं? और मैं एक और ख़ास बात आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो दलित आंदोलनों की जो कमान है वो यंगर लोगों के हाथ में है, जो बेहद खुशी की बात है कि जो 20s या 30s में जो लोग हैं, क्या आपको लगता है कि जो चेहरा है दलित आंदोलन का वो बदलेगा इसके बाद? देखिए, छात्रों के साथ तो अंधाधुंध छलावा हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। और अभी जो सरकार बोल रही है कि पान पकौड़ा पंचर देगी, तो जो आरक्षण में लोग आएंगे उनको भी, क्योंकि जॉब नहीं देगी तो उनको भी पान पकौड़ा और पंचर मिलेगा। और मैं इस बात को कास्ट और क्लास दोनों एंगल से बताना चाहती हूँ कि दलित जो हैं अभी 71% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 71% दलित जो हैं वो लैंडलेस हैं, पुअर, गरीब, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। और 5 एकड़ ज़मीन जो है सवर्ण गरीबों को, उनके लिए बनाई गई है। तो हम लैंडलेस जो गरीब लोग हैं उनको अभी भरपाई नहीं हुई है और इनको दिया जा रहा है, तो ये साफ है। जहाँ तक क्लासरूम एक्सपीरियंस की बात है, भयंकर रूप से क्लासरूम एक्सपीरियंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देखिए, रोहित विमुला की इंस्टीट्यूशनल मर्डर ऐसे ही नहीं हुआ, वो उनका एक्सपीरियंस था, कास्ट क्लास हर तरह का एक्सपीरियंस था। हम लोग हर रोज़ इसको झेलते हैं, देखते हैं। टेक्स्ट नहीं देंगे, अंग्रेज़ी मीडियम, फ्लुएंट इंग्लिश है या नहीं है उसके बेस पे आपकी छटनी होगी, अंग्रेज़ी अच्छा बोलते हैं कि नहीं उसके ऊपर आपकी छटनी होगी, हर तरह से, कहाँ से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, क्या कास्ट है, क्या क्लास है, ये सारा मिला के जो एक द्वंश हमारे ऊपर आता है वो सचमुच में एक भयंकर एक्सपीरियंस होता है किसी भी एक दलित बैकग्राउंड से, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आने वाले या माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अभी भी तमाम सारी यूनिवर्सिटी में आप देखिए। कौशल, मैं दलित महिलाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे लेडर पे, एक ऐसी सीढ़ी पर हैं जो कि गरीब भी हैं, इसके अलावा महिला हैं, इसके अलावा दलित हैं, यानी कि तीन तरह से, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में कहते हैं ट्रिपली मार्जिनलाइज, यानी तीन तरह से हाशिए पे फेंके हुआ समुदाय, इसका असर जो है। और अब आखिर में ये जो जो रिजर्वेशन दिया गया है, मैं इस पूरी राजनीति को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि खासकर दलित महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, दलित तो मायावती भी हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और बिल्कुल एकदम माफ़ी मांगते हुए मैं ये कहूँगी कि लगभग इन्हीं लोगों ने सबसे पहले ये इकोनॉमिक्स के आधार पर रिजर्वेशन इन्हीं लोगों से शुरू हुआ था। अच्छा। चिराग पासवान हुआ, रामविलास पासवान हुआ और मायावती हुआ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बीजेपी तो है ही जैसी भी है, लेकिन दलित पार्टियों का जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, ओबीसी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, वो भी उन्होंने भी तो 10% के लालच में कहीं ना कहीं उनके साथ समझौता किया ना, कि वो भी तो नहीं चाहते थे ना कि उनका गरीब सवर्णों का या प्रकाष्ठ का वोट बैंक किसके। तो मैं महिलाओं पे आती हूँ, महिला तो वो भी हैं, और इसके बावजूद भी उन्होंने ये ऐसा डिसीजन लिया, एक तरह से अंदर खाते का जो चला हुआ था। मैं बल्कि हो सकता है आपको अलग अटपटा लगे, बीजेपी ने तो उस कुपेड़ बनाया है, बीज तो वहीं से आया था, कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो रखा उन्होंने सामने कि वहाँ से आया, उससे पहले नरसिम्हा राव ने, गवर्नमेंट ने भी नोटिफिकेशन एक निकाला था, कोशिश थी। मतलब आप सिर्फ इसके आधार पर, माइंडसेट का सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मानसिकता काम करती है दलित और गैर दलित वाली, वो उसका एक फल हमारे सामने दिखाई दे रहा है। और आप ये देखिए, ये जो मैं थोड़ा सा आपकी बात के जवाब देने से पहले इतर करना चाहूँगी कि अभी जो 3 यूनिवर्सिटी को जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनको दर्जा देने जा रहे हैं, और वो आ चुका नोटिफिकेशन भी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और विद्यापीठ और तिरुपति विद्यापीठ, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ, तीनों में कॉन्टैक्ट बेस पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको परमानेंट किया जा रहा है। आप
मैं आप सर्वे करवा के देख लीजिए, मैं क्योंकि मैं संस्कृत भी पढ़ाती हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ उनमें से 70% टीचर अपर कास्ट का ही है। मैं तो कम बोल रही हूँ, बल्कि 70% वो कॉन्टैक्ट पे है। जाहिर सी बात है जो गढ़ है उनका पूरा मनुस्मृतिवाद का और पूरा का पूरा एक सिस्टम जो हमारा ब्राह्मणिकल सिस्टम है वहाँ वही पढ़ा रहा है। उसको आप चाह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है, इनको पहले परमानेंट करो उसके बाद यूनिवर्सिटी का दर्जा, ताकि रिजर्वेशन आए ही ना। तो एक महीना एकदम खत्म, एकदम उस सिस्टम को खत्म करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात महिलाओं की, जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत आता था, देखिए महिला और पुरुष का मैं ये थोड़ा सा इसमें ये इस तरीके से देखती हूँ कि महिलाएं भी कई बार ना पुरुष की ही अनुगामी होती हैं, खासकर पार्टी पॉलिटिक्स में। चाहे वो मायावती के अलावा आप ममता बनर्जी को देख लो, वसुंधरा राजे को देख लीजिए, हमारी सुषमा स्वराज को देख लीजिए जिन्होंने दलित डॉक्टर से इलाज करवाया था। बाद वो अलग बात है कि उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर का दलित तो रिजर्वेशन से आते हैं और जान उन्हें नहीं बचाई थी, वो दलित कोटे से ही आता था। तो जितनी महिलाएं रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं वो कहीं ना कहीं पुरुषवादी पितृसत्तात्मक और सामंती सोच की वाहक बनती है। मैंने वाहक शब्द यूज किया है, आप उसी एक तरह की चेतना उस समाज के तबके में जो आज भी आप देखिए ना, आज भी हमारी भारतीय राजनीति में जब लोकतंत्र का उत्सव होता है वोट किस आधार पर देती है महिलाएं, खासकर महिलाएं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई ज़्यादा एसोसिएशन होता नहीं, सामाजिक संगठनों में भी इवन नगण्य होता प्रतिनिधित्व, तो दलित महिलाओं का नगण्य ही है। आप उठा के देख लीजिए मोटा मोटा कितनी लीटर मिलेंगी आपको दलित महिलाएं, बहुत मोटा मोटा। आखिरी सवाल लेना चाहती हूँ अनिरुद्ध जी आपसे कि ये मुझे बताइए कि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो तो सब इसके फेवर में चला गया, अब राज्यसभा से भी पास हो गया बिल, अब प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देंगे और ये कानून बन जाएगा, अब क्या रास्ता है जब पूरे देश की संसद जो है, पूरा जो राजनीतिक पॉलिटिकल क्लास है, अगर वो खिलाफ हो जाए मार्जिनलाइज्ड के, अगर वो खिलाफ हो जाए हाशिए के लोगों के, सबाल्टर्न लोगों के, तो आपको लगता है कि सोशल एक्टिविज्म के ज़रिए क्या कुछ वकील, क्या कुछ टीचर्स मिलके बदलाव कर लेंगे, अब क्या होगा? मैम संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ी जाती है, और जैसा कि अभी रतनलाल सर कह भी रहे थे कि हम 19 जनवरी को पूरे भारत बंद का, आपको 2 अप्रैल याद होगा, एट्रोसिटी एक्ट पे 2 अप्रैल को किसी राजनीतिक पार्टी ने आकर के नेतृत्व नहीं दिया था और पूरा भारत बंद रहा, गली गली तक बंद रहे, स्कूल कॉलेजेस ने छुट्टी कर दी और गली गली में जो दुकानें खुली भी थी उनको जबरदस्ती जाकर बंद करवाया गया, ये नहीं कि जबरन बंद करवाएगा, उनको बोल करके समझा करके बंद करवाया है। तो इसको फिर एक बार जो है वही नेतृत्व मिलेगा, आम जनता का नेतृत्व, कि जब हमारे जो ठेकेदार हैं, सो कॉल्ड ठेकेदार रामविलास पासवान, मायावती जी, अठावले जी जो बैठे हुए हैं, उदित राज जी, अगर उनका रैली करने को कहिए तो अकेले वो 4 लाख लोगों को ले आएंगे, लेकिन इस मसले पर अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया, बयान भी नहीं आया है, बिल्कुल सही बात। तो ये जो है इस बार जो आक्रोश है वो जनता का आक्रोश फिर से एक बार सड़क पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस मुद्दे को समझने की हमने कोशिश की चारों मेहमानों के ज़रिए, और यहाँ पर खासकर हम इंडिया गेट पर आए क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह का ये सिंबल है कि जो नेशनल जो कैपिटल है, जो राजधानी है देश की, वहाँ संसद यहीं से बस ज़रा सी दूर पे वॉकेबल डिस्टेंस पे पैदल चल के जा सकते हैं हम यहाँ से, कि संसद में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया और जो है वो कानों कान खबर नहीं लगी, यानी कि एक तरह के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो हमेशा से ऐतिहासिक रूप से जो है वो ताकतवर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, अब उन्हीं लोगों में एक नई कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में ही एक नई कैटेगरी बनाकर, जो दूसरी कैटेगरी पहले से बना दी गई थी उनके ऊपर एक तरह से हमले की जो कोशिश नज़र आ रही है उसी तरह से इसको देखा जा रहा है। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।